हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हम किसी लिंक लिस्ट में नोड इंसर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट पोजीशंस हमने बताई थी, बिगनिंग में, मिड में, एंड में, इस तरीके से हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इसमें कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि जैसे सर सर्चिंग का, जैसे हम लोग इसके पिछले के पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेवर्स करना लिंक लिस्ट को देखा था, कैसे हम विजिट कर सकते हैं, तो बता रहे हैं सर्च करना, सर सर्चिंग और ट्रेवर्सिंग एक ही चीज़ है। ट्रेवर्स में हम लोग केवल नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले जाते हैं, और सर्चिंग में आपको उस वैल्यू से भी कंपेयर करते हुए तब नेक्स्ट पे जाना होगा जब तक कि वो वैल्यू फाइंड नहीं हो जाए। तो सर्चिंग कवर हो चुका है, आई थिंक आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर अभी भी प्रॉब्लम होगी तो फिर से मैं अलग से सर्चिंग को ले लूँगा कि कैसे नोड को सर्च करते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग इस लेक्चर की बात करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैसे लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ये देखने वाले हैं, और उसके बाद लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर पॉलिनोमियल्स का क्या होता है इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, और उसका अगर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर का बनाना है तो बनाएंगे हम लोग, और उसका एरर रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देख लेंगे इस लेक्चर में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आइए चलिए हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो हम लोग उसका लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। जैसे सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल्स टू 8x4 प्लस 5x³ प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका हमें लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाना। तो सारे टर्म्स इसमें, जैसे हम लोग किसी को छोड़ते नहीं हैं, जैसे 4, 3, 2 डिग्री गायब है, तो 2 डिग्री गायब है इसका मतलब है कि वहाँ पे 0 होगा। तो अगर आप अपने लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको आप ऐसे इसको लिख लीजिए 8x⁴ प्लस 5x³ प्लस 0x² प्लस 2x प्लस 0x⁰ और दिस इक्वल्स टू 0। इस तरीके से सारे टर्म्स को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब अगर आपको इसको लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ें हम रखें, किस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए ये लिंक लिस्ट में। एक तो हमको ये तो पता है कि ये x में है, x में ये पॉलिनोमियल है, तो x को हर जगह स्टोर कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमें स्टोर कराना है इस 8 को, इस 4 को, इसको इसको इसको, यानी कि दो चीज़ें हमें क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशियंट। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसको हम लोग कोफिशियंट बोलते हैं, और ये जो पावर में लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो अगर हम कोई लिंक लिस्ट बनाएं और उसमें इतनी चीज़ें हों कि एक फील्ड हो कोफिशियंट्स के लिए और एक हो एक्सपोनेंट के लिए, तो काम हमारा बन जाएगा। और ये लिंक लिस्ट बननी है तो नेक्स्ट का एड्रेस लिखने के लिए, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे तुरंत से। एड्रेस ऑफ नेक्स्ट कहने का मतलब ये है कि पहली नोड ये बनेगी तो इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस आएगा। तो जैसे एक तो सबसे पहले हेड नोड बनेगी, हेड और कैसे, सबसे पहले इसमें पहली पोजीशन पे रखना है कोफिशियंट 8, दूसरी पे रखना है 4 एक्सपोनेंट, और फिर नेक्स्ट का एड्रेस, फिर से इसमें कोफिशियंट 5 एक्सपोनेंट 3। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे है तो ये बहुत आसान सा,
कभी कभी ऐसे एग्ज़ाम में आ जाता है और स्टूडेंट पढ़े नहीं होते हैं तो परेशान होते हैं। वैसे तो है ये बहुत ईजी, बट ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जैसे आपने पहली पोजिशन पर जो आपने ये मॉडल नोट बनाई है, ये कोई मॉडल नोट बनाई है अगर आपने, तो अगर इसमें पहली पोजिशन पर कोफिशियंट रखा है तो हर लिंग्लिश में पहली पोजिशन पर आप कोफिशियंट की वैल्यू ही रखेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, फील्ड चेंज नहीं होनी चाहिए ऐसे रिप्रेजेंटेशन में, कोई मिसगाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रखेंगे 0, 2 और फिर नेक्स्ट का एड्रेस, फिर इसमें 2, 1 और फिर नेक्स्ट का एड्रेस, फिर नेक्स्ट में होगा 0, 0 और इसका नेक्स्ट कुछ भी नहीं है तो नल। तो ऐसे इस और ये इसका एड्रेस हेड में। अब ये मेमोरी एड्रेस यहाँ पे आप लिंक्लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, लिंक्लिस्ट में रख नहीं रहे हैं तो प्रोग्राम नहीं बना रहे इसका, तो इसका मेमोरी एड्रेस या कोई एल्गोरिथम ऐसा डिजाइन नहीं की है, तो देने की इधर ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो चलिए हो गया, कोई सिंगल वेरिएबल का दिया था तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स का दिया हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? जैसे सपोज करिए दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है PXYZ और इसमें दिया हुआ है आपको -3x^6, y^9 और z^13 ऐसे करके कुछ, प्लस 6x^6, y^9 और z^11 प्लस 5x^5, y^6 और z^3 प्लस 7y^3z प्लस 6y^8z^2 प्लस 2 = 0। ये इस तरीके से दिया हुआ। अब इसमें कई सारे वेरिएबल्स हैं तो मिसिंग टर्म्स को रिप्रेजेंट कहाँ तक करें हम लोग, तो वो फालतू का स्पेस लेता है, मिसिंग टर्म मिसिंग है तो मिसिंग को लिखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ इसका हम लिंग्लिश रिप्रेजेंटेशन बना देंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे नोड में होगी, जो हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे उस स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो होगा कोफिशियंट के बाद एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ एक्स अगर उसको हम सपोज करो बोल दें डिग्री ऑफ एक्स, फिर डिग्री ऑफ वाई, फिर डिग्री ऑफ जेड और फिर इस तरीके से करके एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, ऐसे करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हेड नोड होगी ही होगी जो लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस करे रखेगी। उसके बाद हम नोड्स को क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे 4 फील्ड होनी चाहिए। कोफिशियंट की वैल्यू है -3, एक्स की डिग्री है 6, वाई की डिग्री है 9, जेड की डिग्री है 13। ठीक है, और फिर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, नेक्स्ट का एड्रेस, यहाँ पे कोफिशियंट है 6, एक्स का एक्सपोनेंट है 6, वाई का 9, जेड का 11 और फिर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ऐसे, फिर 5, 5, 6, 3 और एक नेक्स्ट के एड्रेस के लिए। नेक्स्ट अब हम इधर से बनाना चाह रहे हैं, यह सपोज करिए ये बनाना है हमें, तो कोफिशियंट 7 और एक्स का कोफिशियंट 0, वाई का 3, जेड का 1 और फिर नेक्स्ट का एड्रेस, सॉरी 7y^3z है, हाँ तो ठीक है, फिर 6, 8, 0, 8, 2
पे एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, इसका कोफिशियंट तो है 2 और x की वैल्यू, x का एक्सपोनेंट 0, y का 0, z का 0 और फिर ये लास्ट में जाके नल। इस तरीके से हम इसको लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी पॉलिनोमियल को, मल्टीपल डिग्री में दिया है तब भी। अब एक और भी चीज़ है, लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेक्सोग्राफिकल हमें देखना है, लेक्सोग्राफिक ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेक्सोग्राफिक का मतलब ये होता है बढ़ते हुए, या किसी सीक्वेंस में लगा दे जब हम उसको। तो अगर जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके हम किसी एक वेरिएबल को, तीनों को तो अरेंज करना या 4-5 ऐसे वेरिएबल दिए तो सबको आप सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। किसी एक वेरिएबल को लेते हैं, सपोज करिए एक्स वाई जेड में दिया है तो एक्स को लेते हैं और एक्स की सारे नोड्स को, एक्स के सारे टर्म्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ऐसे ले लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट दिया है उसको सबसे पहले ले लेते हैं और उससे कम दिया है उसको उसके बाद, इस तरीके से करते हुए ले लेते हैं और उसी सीक्वेंस में वाई जेड भी अरेंज होते चले जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेक्सोग्राफिक ऑर्डर। जैसे सपोज करिए ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है p x y z और इसमें दिया हुआ है 2 x की पावर 5 y स्क्वायर z प्लस सॉरी माइनस 3 x की पावर 8 y की पावर 2 एंड z प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 जेड क्यूब प्लस 5 वाई की पावर 8 जेड स्क्वायर प्लस 6। इस तरीके से ये दिया हुआ है, सपोज करिए ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसका अगर हम लेक्सोग्राफिक ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा x की पावर देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका सबसे पहला टर्म जो हो जाएगा 3x की पावर 8 y स्क्वायर z। सिमिलरली x के अब 8 के बाद कौन सा है तो 5 है, तो 2x की पावर 5 y स्क्वायर z, फिर 5 के बाद 2 है, 4 x की पावर 2 y की पावर 4 z क्यूब। इसके बाद अब जब x के टर्म खत्म हो गए लेकिन और y z के हैं, तो अब y में जो सबसे बड़ा है तो 5 y की पावर 8 और z स्क्वायर और फिर इस तरीके से एंड प्लस 6। इसको फिर से अगर आपको लिंक लिस्ट बनानी है इसकी, तो कैसे इसकी नोड क्रिएट होगी, इसकी नोड क्रिएट होगी कोफिशियंट और एक्सपोनेंट ऑफ वाई, एक्सपोनेंट ऑफ जेड और फिर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट। ऐसे नोट आप इसका ऐसे लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे। अगर आपको इसका एरे रिप्रेजेंटेशन बनाना है कि इसका लेक्सोग्राफिक ऑर्डर का एरे रिप्रेजेंटेशन बनाओ, तो आप इतनी पैरेलल एरे ले लेंगे 1 2 3 4 5 पैरेलल एरे ले लेंगे, जैसे ऐसे इस तरीके से पैरेलल एरेज ले लेंगे आप।
सपोज करिए हम यहाँ पे मेमोरी एड्रेस को सीरियल नंबर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अगर मेमोरी एड्रेस को सीरियल नंबर से रिप्रेजेंट कर दें तो यहाँ पे कोफिशियंट और यहाँ पे डिग्री एक्स, यहाँ पे डिग्री वाई, यहाँ पे डिग्री जेड और यहाँ पे सीरियल नंबर हम लिखेंगे नेक्स्ट का, यहाँ पे नेक्स्ट सीरियल नंबर, जैसे यहाँ एड्रेस लिखते हैं ना हम इस तरीके से, और ऐसे हम इसको अरेंज करेंगे। तो अगर सपोज करिए पहली पोजीशन पे हम लिखेंगे कोफिशियंट माइनस थ्री, डिग्री ऑफ एक्स थी एट, डिग्री ऑफ वाई में टू, डिग्री ऑफ जेड में वन और नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका जहाँ पे होगा मेमोरी में, सपोज करिए ये सेकंड लोकेशन पे कुछ भी नहीं है, सपोज करिए थर्ड पे है, तो थर्ड पे है तो यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर थ्री लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पे जैसे यहाँ पे टू है, फाइव टू वन, और अब फिर इसका नेक्स्ट जहाँ पे होगा मेमोरी में, सपोज करिए, अरे यार बकर बकर करे जा रहे हो तुम लोग, यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे सीरियल फोर होगा, ठीक है। सो फोर हो है तो इसका नेक्स्ट जो है यहीं पे स्टोर होगा, जैसे फोर टू फोर थ्री और फिर इसका नेक्स्ट जहाँ पे होगा। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बेसिक एलिमेंट्री चीज़ें हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, अब आगे से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे स्टैक और क्यूब से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तब तक के लिए